नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस किताब में ऐसा क्या खास है। अगर काम पसंद है तो कंसीडर कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देंगे तो यूट्यूब इस काम को थोड़ा और अच्छा कर देगा, हो लोगों तक पहुंचाएगा, कम्युनिटी बड़ी होगी, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो भाई ऐसा क्या खास है इस किताब के अंदर कि मुझे वीडियो बनाना पड़ गया। तो भाई मुझे ये पता चला है कि इस किताब से हमें क्या सीखने को मिलता है और क्या सीखने को नहीं मिलता। पहली बात तो ये किताब हमें क्या नहीं सिखाती है, किताब हमें कैसे काम करना है ये भी नहीं सिखाती है, इसलिए काम करना है ये भी नहीं सिखाती है, पर ये जरूर सिखाती है कि काम भाई करना क्यों है। दुनिया में सबको पैसे कमाने हैं, सबको अच्छा इंसान बनना है, सबको नाम शोहरत सबको चाहिए, वो किस लिए, क्यों। ये किताब कहती है क्यों क्यों करना है भाई तुझे ये सब, यही सबसे बड़ा रीज़न है इस दुनिया के अंदर क्यों। तो किताब का नाम ही है स्टार्ट विद वाई। दुनिया के अंदर ऐसे कई दिग्गज हस्तियां हैं जिन्होंने अपना नाम हिस्ट्री के अंदर दर्ज करवाया है कि ने अपनी शुरुआत की थी वाई से, क्यों से शुरुआत करके आज वो हिस्ट्री के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आज हम सालों बाद भी याद करते हैं। अगर मैं बात करूँ राइट ब्रदर्स की, राइट ब्रदर्स कौन है, जिन्होंने आविष्कार किया था वर्ल्ड्स फर्स्ट एरोप्लेन, इंसान को हवा में उड़ाने की पहली ऐसी मशीन जो राइट ब्रदर्स ने तैयार की थी। अब ऐसा तो नहीं है कि वो दुनिया में ऐसे लोग थे इंसान थे, इनके पास ये दिमाग में आया कि मुझे एरोप्लेन बनाना है, ऐसा नहीं है। उनके साथ ऐसे कई सारे लोग ऐसे साथ में थे जो कि अलग अलग जगह पर ये कोशिश कर रहे थे कि हम एक फर्स्ट दुनिया का एरोप्लेन बनाएं, पर राइट ब्रदर्स ने ही क्यों बनाया, ना उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ना ही उनके पास कुछ ऐसे महारथी लोग थे जो कि उनकी हेल्प कर सके, पर उन्हीं का नाम क्यों याद किया जाता है, क्यों, क्योंकि उनकी शुरुआत हुई थी वाई से। उनको अपना विजन क्लियर था कि क्यों हमें एरोप्लेन बनाना है, क्या रीज़न है, क्या उसका फ़ायदा होगा। बात करें एप्पल की, एप्पल के साथ साथ मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एप्पल की तरह ही प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो क्यों एप्पल का नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ में आता है ये जानने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि एप्पल का विजन क्लियर है कि वो अपना जो विजन लेके आए वो आए क्यों से, कि उनकी शुरुआत हुई थी कि मुझे दुनिया के अंदर ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं जो कि लोगों की मदद करें, उनका टाइम बचाएं और उनको वर्ल्ड की बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें। तो इस चीज से क्लियर होता है कि उनका विजन क्लियर था, उनकी वाई क्लियर। बहुत से लोगों की अपनी अपनी वाई होती है, पर क्वेश्चन क्रिएट ये होता है कि उनकी वाई का रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट क्या है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अच्छी खासी बैंक की नौकरी कर रहा था, पर मुझे क्यों ऐसा हुआ कि मुझे जॉब छोड़ के अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ मुझे जो मेरा विजन था वो वहां नहीं दिख रहा था, मेरा क्यों वहां पे क्लियर नहीं था। मैं काम तो कर रहा था, अच्छी खासी मेरी नौकरी थी, मेरा अच्छी खासी इनकम थी, पर मेरी वाई क्लियर नहीं थी कि मैं कर क्यों रहा हूं। जब मेरी वाई क्लियर हुई, जब मेरा क्यों क्लियर हुआ कि हाँ मुझे मेरा काम ऑनलाइन ले जाना पड़ेगा, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करनी पड़ेगी और मुझे अपना अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करना पड़ेगा जो कि मेरा जॉब से नहीं हो सकता, तो मेरी वाई क्लियर हुई, मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। तो अगर आपको बुक के ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं इस बुक के अंदर जो कि आपको सिखा सकते हैं कि आपको कोई भी काम क्यों करना है भाई, ऐसा क्या खास है। कुछ भी हो सकता है, आपको अपना दुकान खोलनी हो, तो जॉब ही करनी है, बिल्कुल हो सकता है, पर आपको जॉब क्यों करनी है, क्या रीज़न है। अगर आपका रीज़न यह है कि सिर्फ मुझे पैसा कमाना है, जेंटलमैन आप बहुत ही गलत दिशा के अंदर हैं। बहुत से लोग हैं दुनिया के अंदर जो कि जॉब कर रहे हैं बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, बस वो पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा जॉब करने का रीज़न ये सिर्फ पैसा कमाना है तो आप खुश नहीं हो सकते हैं। हो सकता है आपको देश की सेवा करनी हो, आपको मिलिट्री में जाना हो, पर आपको अगर आपका फोकस यह है कि मुझे सिर्फ मिलिट्री में जाकर अपनी जॉब सिक्योर करनी है तो भी आपके लिए गलत है। अगर आपका वाई क्लियर है कि क्यों मुझे जॉब में जाना है, मुझे अपनी देश की सेवा करनी है, तो आप आज नहीं तो कल अपने मकसद में जरूर कामयाब हो गए। कई लोगों का मकसद ये भी होता है कि मुझे IAS ऑफिसर बन के एक पद हासिल हो जाएगा और मेरे लोगों में नाम हो जाएगा, तो भी आपका विजन गलत है। आप हो सकता है अब उस चीज़ में कामयाब हो जाए पर आप खुश नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आपकी वाई क्लियर नहीं है। तो आपको ये देखना हो कि आपकी वाई क्लियर क्या है, आपको अपनी वाई देखनी होगी कि मेरी वाई क्या है। तो मुझे इस बुक से ये सीखने को मिला है कि अगर आपको कोई भी काम करना हो इस दुनिया के अंदर,
तो आपको ये देखना होगा कि आपकी वाई क्या है और आपको उस काम से क्या बेनिफिट होगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके उस काम से क्या ऐसा प्रभाव पड़ रहा है समाज के अंदर जिससे लोगों का भला हो रहा है, आपका भला हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों का भला हो रहा है, और आपके आसपास जो लोग हैं क्या उनका भला हो रहा है उस काम से। अगर ऐसा आपके थ्रू काम हो रहा है, आपके काम के थ्रू, वो कोई भी काम हो सकता है, तो आप 100% राइट डायरेक्शन के अंदर है। और मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ सिक्स फिगर बिजनेस डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, सो आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन बुक अ 1-to-1 कॉल विद मी और आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से अपना बिजनेस 100% ऑनलाइन बिल्ड करा है विदाउट कन्विंसिंग एनीबडी। और आप मेरी फ्री ईबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, देयर आर 7 हाईली इफेक्टिव वेज ऑफ पैसिव इनकम, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मेरे साथ 1-on-1 फ्री डिस्कवरी कॉल भी बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो अगर मेरा काम पसंद है तो कंसीडर कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देंगे तो यूट्यूब इस काम थोड़ा और अच्छा करेगा, और लोगों को रिकमेंड करेगा, कम्युनिटी बढ़ेगी, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए, जय हिंद।